हाँ जी नमस्कार सभी को, मैं जय सोलंकी स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DSSBTube में। और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं अपनी पैडागोजी के कोर्स में, जिसमें हम क्या देख रहे थे, जिसमें हम खेल विधि पर आधारित जो शिक्षण पद्धतियां होती हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। और पिछली क्लास में हमने कुल मिलाकर 5 या 6 जो पद्धतियां थी उनको डिस्कस किया था। और मैंने ये बोला था कि अब से आगे जो क्लासेस आएंगी उनमें हर एक पद्धति को और ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो कल जो मोंटेसरी पद्धति आपको सिर्फ इतने एरिया में दिखाई दे रही थी, वो मोंटेसरी विधि जो है वो आज आपको पूरे बोर्ड पर दिखाई देगी। उसके बारे में सब कुछ बताऊंगा, कैसे क्या उसके बारे में आपको सीखना है, समझना है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि ये जो मोंटेसरी विधि होती है ये आप अपने छात्रों पर कैसे लागू कर सकते हो, या फिर किस प्रकार से किस एग्जाम्पल को उठाकर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो सब बातें आज डिस्कस करेंगे। मतलब ये कि मोंटेसरी विधि के बारे में शुरू से लेकर अंत तक सब कुछ आज स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये आपको क्लियर हुई या नहीं हुई। तो स्टार्ट करते हैं भाई हम आज अपनी क्लास को। और ये क्लास किसके लिए है अभी बता देता हूं। जो भी किसी टेट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, किसी भी टेट एग्जाम के लिए, सीटेट के लिए, यूपी टेट के लिए, एचटेट के लिए, आरटेट, जेटेट, चाहे कोई भी टेट एग्जाम है आपका, तो उसके लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्लास है ये आपके लिए अत्यंत जरूरी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। मोंटेसरी विधि के बारे में भाई सबसे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि ये जो विधि है ये किसके द्वारा लाई गई। तो मारिया मोंटेसरी थी, उनके द्वारा ये लाई गई। अब वो क्या थी, वो एक कह सकते हैं शिक्षा दर्शन के क्षेत्र में एक काफी जानी मानी हस्ती थी, जिन्होंने अपना योगदान दिया ये पद्धति लाकर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने बाल केंद्रित करने की कोशिश की शिक्षा को। जो मैंने आपको कल बताया था पहले शिक्षा कैसे हुआ करती थी, अंधेरा कमरा हो बेशक, अंधेरा का मतलब ये नहीं कि एक बच्चे को दूसरा बच्चा भी दिखाई नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब ये कि भले ही प्रकाश की व्यवस्था उतनी ज्यादा अच्छी ना हो, भले ही जो वायु निकास होता है वो उतना ज्यादा अच्छा ना हो, लेकिन मतलब किससे होता था कि एक कक्षा में एक अध्यापक होना चाहिए, कुछ बच्चे होने चाहिए, बस उसी को कक्षा बोल दिया जाएगा। अब अध्यापक जैसे मर्जी पढ़ाए, बच्चे जैसे मर्जी पढ़े, लेकिन उसे ही उसी प्रकार से शिक्षा मिलनी है। तो उससे हटकर चीजों को अलग रूप से देखा गया। मारिया मोंटेसरी ने बाल केंद्रित शिक्षा को और ज्यादा अच्छा करने की कोशिश की। एक जो वैज्ञानिक ऑब्जर्वेशंस होती है उनके आधार पर बच्चों का शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक विकास करने की पहल की, ये मान लीजिए, या फिर एक अच्छा मार्ग दिखाया वो भी आप मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर मतलब ये है कि शारीरिक रूप से बच्चों को क्रियाएं करनी पड़ेंगी इसमें। इसका मतलब ये नहीं है कि अध्यापक बोलेगा या पूछेगा और बदले में बच्चों की प्रतिक्रियाएं लेगा, ऐसा नहीं है। इसका आप ये कह सकते हैं कि रियल में अर्थ जो है इसका वो ये है कि इसमें जो शिक्षक होगा वो मौन रहेगा काफी समय तक। मतलब ये जैसे अभी जो क्लास चल रही है अपनी, इसमें क्या है, मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आपसे एक आधी बातें पूछ लूंगा, ठीक है। तो ये क्या है, क्या ये मोंटेसरी विधि हो सकती है, नहीं हो सकती। क्यों, क्योंकि सबसे पहला इसमें आप ये मान सकते हैं, चिन्ह मान सकते हैं, सिम्टम मान सकते हैं, साइन मान सकते हैं कि मोंटेसरी विधि जो होती है उसमें शिक्षक उतना ज्यादा सक्रिय नहीं होता जितने ज्यादा सक्रिय बच्चे होते हैं, मतलब छात्र होते हैं वो काफी ज्यादा सक्रिय होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आपके साथ तो मोंटेसरी विधि लागू नहीं हो सकती, क्योंकि 6 साल से कम के जो एज ब्रैकेट होता है उसमें ये विधि जो है वो ज्यादातर काम करती है। क्यों काम करती है, क्योंकि इस विधि में क्या किया जाता है, वस्तुओं से सिखाया जाता है। और वस्तुओं से सीखना किस उम्र में होता है, छोटी उम्र में होता है। क्यों होता है, क्योंकि कम उम्र में बच्चों का ध्यान बातों के अलावा वस्तुओं पर ज्यादा जाता है। जैसे मान लीजिए एक बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, उसके सामने एक टेबल रख दो, उस टेबल पर एक हरे रंग का हाथी रख दो और साथ ही साथ आप उसे कुछ ना कुछ बात करने की कोशिश करो। अगर उस बच्चे ने वो हाथी पहली बार देखा है तो वो आपकी बात पर ध्यान देने से ज्यादा महत्व किसे देगा, हाथी को लगातार देखने को। वो कोशिश करेगा कि वो हाथी को ज्यादा समय तक देखे, उसे छुए, उसके साथ खेले और आपकी बात को नजरअंदाज करे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चे को वस्तुएं ज्यादा प्यारी होती हैं, बातें कम प्यारी होती हैं। तो इस वजह से मोंटेसरी विधि में वस्तुओं के द्वारा बच्चों को सिखाने पर ज्यादा जोर दिया गया। आगे बढ़ते हैं,
तो ये कुल मिलाकर ये जो विकास है, शारीरिक विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक और संज्ञानात्मक, ये विकास करने की कोशिश की जाती है। अब वो कैसे, वो आप आगे आपको धीरे धीरे पता चलेगा। अच्छा, इसके लिए भाई क्या होता है, एक और जो दूसरा लक्षण होता है वो क्या, इसमें क्रियाओं के लिए विकल्प दिया जाएगा। क्रियाओं के लिए विकल्प मतलब कि अलग अलग क्रियाएं होंगी। जैसे यहां मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हुए हैं, मूवेबल अल्फाबेट्स, मतलब ये कि जो एबीसीडी आप बच्चों को सिखाते हो, आपको कैसे पता चलेगा कि इसे एग्जैक्टली आ चुकी है, इसे जो ये होते हैं लेटर होते हैं, जो अक्षर होते हैं, उनकी पहचान हो चुकी है। कैसे पता चलेगा, ऐसे पता चलेगा कि जो आप एक सही क्रम में लिखते हो ए बी सी डी ई एफ, ऐसे ना लिखने के बजाय उन अक्षरों को आगे पीछे कर दो, तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या अब भी ये बच्चा सही पहचान करता है या नहीं करता है। उसके लिए क्या करते हैं, कोई भी एक जो ए से लेकर जेड तक जो ये होते हैं लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट होते हैं, वो आप मान सकते हैं किसी भी रूप में, जैसे लकड़ी के हो गए छोटे से, तो उस रूप में लेकर आते हैं और उन्हें मूव करते रहते हैं, बच्चों की नजरों के सामने मूव करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह करते रहते हैं, और उसके बाद उनकी पहचान का जो है परीक्षण किया जाता है कि क्या उन्हें सही तरीके से पहचान हुई है या नहीं हुई है। तो इस प्रकार से मूवेबल अल्फाबेट को इस्तेमाल करना कौन सा तरीका हुआ, पहला तरीका हुआ, ठीक है। उसके बाद है टावर साइज। टावर साइज का मतलब क्या हुआ, इसे पिंक टावर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ टावर होते हैं, जैसे टावर का मतलब क्या हुआ, छोटे छोटे खंभे मान लीजिए आप लकड़ी के, अब उनके उनसे कैसे पढ़ाया जाएगा, उनसे कैसे बताया जाएगा, अलग अलग साइज के होते हैं उन अलग अलग, जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, अब इसी टाइप के मैं 10 मार्कर और ले लूं, लेकिन कोई छोटा है कोई बड़ा है, अलग अलग साइज के हैं, और बच्चे को ये कहा जाए कि इन मार्कर को बढ़ते हुए क्रम में लगाओ, तो पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस प्रकार से उन्हें लगाना है। तो ये अलग अलग साइज के टावर होते हैं, इस पर इनको टावर को इस्तेमाल करके बच्चों को क्रम सिखाया जाता है कि क्रम कैसे लगाते हैं, चाहे घटता हुआ हो चाहे बढ़ता हुआ हो, दोनों सिखाए जाते हैं। उसके बाद है भाई तीसरा, साउंड सिलेंडर। साउंड सिलेंडर का मतलब क्या हुआ कि खोखले सिलेंडर होते हैं, ठीक है, उन सिलेंडर में थोड़ा थोड़ा सामान भर दिया जाता है, अलग अलग क्वांटिटी में सामान भर दिया जाता है, अब जब भी आप उसे छेड़ोगे उसमें से कोई ना कोई आवाज आएगी, जो ज्यादा भरा होगा उसकी आवाज कम आएगी, जो ज्यादा खाली होगा उसकी आवाज तेज आएगी। तो बच्चे को अब क्या होता है कि सिर्फ देखने वाले तो गुण नहीं देने, सुनने वाले भी देने हैं, क्यों, क्योंकि हर ज्ञान इंद्री का, हर इंद्री का विकास करना होता है, तो सिर्फ देखने के लिए नहीं, सुनने की जो हमारी इंद्री होती है उसका भी विकास करना है, तो क्या होगा, उन सिलेंडर को छेड़ा जाएगा, उससे आवाज आएगी, अब उस बच्चे को बोला जाएगा कि इन्हें अब कैसे लगाना है, जिसकी हल्की आवाज आई वो सबसे पहले, उसके बाद जो आवाज बढ़ती चली गई उसके बाद उन्हें उसी क्रम में लगाते रहना है। तो इससे क्या होगा, बच्चे की सुनने की जो कंसेंट्रेशन होती है वो बढ़ेगी, सुनने की एकाग्रता बढ़ेगी, श्रव्य एकाग्रता बढ़ेगी उससे, ठीक है। उसके बाद आता है अलग अलग टास्क, मतलब अलग अलग काम दिए जाते हैं बच्चे को, कैसे काम दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि अपने ही जूते का जो फीता होता है, लेसेस जो होती हैं वो बांधना, शर्ट्स के जो बटन होते हैं वो खोलना बंद करना, इस प्रकार के अलग अलग कार्य होते हैं, जैसे गार्डन में जाकर फूलों में पानी देना, इस प्रकार के कोई नॉर्मल जो टास्क होते हैं वो बच्चों को सिखाए जाते हैं। उसके बाद है भाई पजल। पजल में आप क्या कहेंगे कि एक तस्वीर है, मान लीजिए किसी मोर की एक तस्वीर है, पिकॉक का एक फोटो है, उसके कई टुकड़े हैं, एक मोर का फोटो है जिसके 16 टुकड़े हैं और वो टुकड़े आपस में मिक्स कर दिए गए, अब बच्चे को बोला कि इन टुकड़ों का इस्तेमाल करके एक पूरा मोर का चित्र बनाओ, तो बच्चा अब क्या करेगा, उन जो टुकड़े हैं उनको देखेगा, खोजेगा अलग अलग रूप से कि कहां कौन सा लगेगा, कोशिश करेगा, अपनी कल्पना बनाएगा, कल्पना कैसे कि कौन सा टुकड़ा कहां आना चाहिए तब जो फोटो है वो पूरा लगेगा, तो इस प्रकार से वो कोशिश करके उस काम को पूरा करने की कोशिश करेगा। तो ये पूरा सब क्या था, ये मूवेबल अल्फाबेट, ये टावर साइज, ये साउंड सिलेंडर, अलग अलग टास्क करना, पजल खेलना, ये क्या है, ये एक खेल विधि है। तो ये जो खेल विधि है इसे ही हम क्या बोलते हैं कि खेल विधि पर आधारित अलग अलग पद्धतियां होती हैं, जिनमें से एक कौन सी है, मोंटेसरी पद्धति या विधि आप उसको बोल सकते हो। तो ये क्या हो गए, ये कुल मिलाकर अलग अलग तरीके हो गए किसी भी बच्चे को सिखाने के, ठीक है।
तो ये भाई कुल मिलाकर मैंने कोशिश की आपको कुछ एग्जांपल्स देने की कि जो आपका एग्जाम होगा उसमें अगर उदाहरण के रूप में अगर आपसे कुछ पूछने लग गए तो किन किन चीजों का सहारा लिया जा सकता है। आगे बढ़ते, जैसे कई बार क्या हुआ था कि जियो बोर्ड पर एक एग्जाम्पल लेकर कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे तो कुछ बच्चे सिर्फ इसलिए आंसर नहीं दे पाए क्योंकि उन्हें जियो बोर्ड का कंप्लीट जो कंसेप्ट होता है वो क्लियर नहीं था। तो इस वजह से एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं मोंटेसरी विधि में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, क्रियाओं के लिए विकल्प दिए जाएंगे कि अलग अलग जो विकल्प है, जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5 पांच काम करने के आपके पास ऑप्शन है। अब बच्चा इन पांचों में से कौन सा काम करेगा वो आप विकल्प दोगे उसे कि इन तीन में से आपको एक काम करना है, बताओ कौन सा करोगे। तो इससे देखा जाएगा कि उसमें इंटरेस्ट किस काम में है। तो क्या होगा, वो बच्चा अबाधित समय के लिए मतलब निरंतर किसी काम को कर पाएगा। जैसे मान लीजिए ये क्या होता है, ये एकाग्रता बढ़ाने का एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए आपको मैं ये बोलूं आप साइंस पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे या इंग्लिश पढ़ोगे, इन तीनों में से कौन सी चीज पढ़ोगे। अगर आपको मैथ्स में इंटरेस्ट है तो आप मैथ्स को 3 घंटे लगातार पढ़ सकते हो। अगर आपको इसमें साइंस में इंटरेस्ट है तो आप साइंस को 3 घंटे आराम से पढ़ सकते हो, इंग्लिश में है तो इंग्लिश को पढ़ लोगे। तो इस तरीके से अलग अलग अगर आपको ऑप्शन दिए जाए तो आपकी आदत बन सकती है अबाधित समय तक पढ़ने की। अबाधित समय मतलब निरंतर किसी एक चीज को पढ़ने की। अब वो सामान्य समय कितना होता है, 3 घंटे का समय होता है। इसी वजह से जो ज्यादातर परीक्षाएं होती हैं वो कोशिश की जाती हैं 3 घंटे के आसपास की रखी जाए। क्यों, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि 3 घंटे तक अबाधित मतलब निरंतर पढ़ने की क्षमता हमने बच्चों में डेवलप कर दी है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि जितने भी मान लीजिए आपका एक सब्जेक्ट का पीरियड है वो 40 मिनट का होता है, आधे घंटे का होता है, तो क्या होता है कि बच्चों को उतनी आदत ही नहीं पड़ पाती। लेकिन मोंटेसरी विधि में कोई भी काम अगर बच्चों से करवाने लग गए तो ऑलमोस्ट अगले 3 घंटे तक उस बच्चे को वही कार्य करने का अवसर दिया जाता है, उसे कोई रोका टोकी नहीं करता। अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि वर्किंग विद मटेरियल मतलब कि जो सामग्री उसको दी जाती है, आपको अमूवेबल अल्फाबेट अगर देने हैं तो आपको अलग अलग लकड़ी के क्या देने पड़ेंगे, ये अक्षर देने पड़ेंगे। ठीक है, अगर टावर साइज आप उसको खिला रहे हो तो अलग अलग साइज के टावर देने पड़ेंगे। तो उस सामग्री से क्या करेगा, वो कार्य करेगा कोई ना कोई। दूसरी बात कि इसमें निर्देश बहुत कम दिए जाते हैं, एक ही बार बताया जाता है, एक ही बार समझाया जाता है, उसके बाद उसे बार बार नहीं बोला जाता कि नहीं ये यहां नहीं आएगा, ये बाद में आएगा, वो पहले आएगा, ऐसा कुछ नहीं करते। क्या करते हैं, उस बच्चे को समय देते हैं पूरा, एक बार निर्देश देकर समझा दिया, उसके बाद उसे सामग्री के साथ कार्य करने का पूर्ण अवसर दिया जाता है। पूर्ण अवसर मतलब स्वतंत्र अवसर दिया जाता है कि वो अपनी इच्छा से, अपने विवेक से, अपनी समझ से उस कार्य को पूरा कर सके। उससे क्या होगा, उससे उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। कोई भी कंसेप्ट आप उसे सिखाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए साइज को अगर आप समझाना चाहते हैं तो उससे क्या समझ में आएगा, उसे उसे क्रम में लगाना चीजों को समझ आएगा। तो क्रम क्या हो गया, उसका कंसेप्ट हो गया, वो उसको क्लियर हो जाएगा कि हाँ क्रम किस चीज को बोलते हैं, ऑर्डर से किसी चीज को प्लेस करना किसे बोलते हैं। तो ये हुआ कि सामग्री के साथ काम करेगा। एक और लक्षण है, प्राकृतिक वस्तुएं दी जाती हैं बच्चे को। प्राकृतिक वस्तुएं मतलब कि अगर आप देखेंगे कि किसी भी स्कूल में अगर आप गए हैं तो बच्चों को अगर शिक्षण सामग्री के रूप में कोई चीज आप इस्तेमाल करते हो तो वो ज्यादातर किसकी होती है, प्लास्टिक की होती है। प्लास्टिक के अल्फाबेट होते हैं, प्लास्टिक के खिलौने होते हैं, प्लास्टिक के टुकड़े होते हैं, किसी भी चित्र को बनाने के लिए मतलब पजल खिलाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है। लेकिन मोंटेसरी विधि में क्या है, अगर आपने प्लास्टिक का इस्तेमाल किया तो उसके बाद आपने एक रूल तोड़ दिया मोंटेसरी विधि का, जो क्या है कि सामग्री हमेशा प्राकृतिक वस्तुएं होनी चाहिए। मतलब प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं करोगे, लकड़ी इस्तेमाल करोगे। तो ये क्या है, ये इसी का एक जो है तरीका है। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं कि बच्चे को ये जो खेल खिलाते हैं ये ज्यादातर आपने देखा होगा 3 वर्ष के आसपास में खिलाते हैं। क्यों खिलाते हैं, क्योंकि बच्चों को वस्तुओं में रुचि होती है, बच्चों को किसी और चीज में रुचि नहीं होती। क्या करेंगे, अगर आप अपने घर में भी देखोगे तो जो छोटा बच्चा होगा वो कभी किसी चीज को उठाएगा, उसे उलट पुलट कर देखेगा, फिर उसे फेंक देगा। क्यों, क्योंकि उसे चाहे समझ में आ गई है चाहे नहीं समझ में आ गई है, पर वो कोशिश करेगा कि वो हर चीज को
पहले छुए उसके साथ खेले उसके बाद उसे बेशक फेंक दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप क्या करते हो, आप फोन पर बात कर रहे हो, आपके घर में कोई 3 साल का बच्चा है तो वो क्या कोशिश करेगा, आपसे वो फोन छीनने की कोशिश करेगा। 3 साल के बच्चे के पास अगर आप बैठ जाओगे 1 घंटे के लिए तो जिस भी वस्तु को आप छेड़ोगे वो बच्चा भी कोशिश करेगा कि वो उसी वस्तु को छेड़े। तो उसका ध्यान किस तरफ रहता है, वस्तुओं की तरफ रहता है, उसे वस्तुओं में रुचि होती है। इसी वजह से मोंटेसरी विधि में अलग अलग चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अल्फाबेट हुआ, जैसे टावर हुआ, जैसे सिलेंडर हुआ, जैसे पजल में जो टुकड़े थे किसी भी चित्र के वो हुए, तो उन वस्तुओं का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जो बच्चा है उसे सामाजिक व्यवहार वो रुचि लेने लगता है 4 वर्ष के आसपास में। जैसे मान लीजिए कि कोई 3 साल से छोटा बच्चा है, अगर उसे आइसक्रीम चाहिए तो भले ही उसके घर में रिश्तेदार आए हुए हों, अगर उसे आइसक्रीम चाहिए तो वो रोएगा, जमीन पर लेट जाएगा, लेकिन जिद करेगा आइसक्रीम लेने की। लेकिन अगर बच्चा 4 साल से ऊपर हो गया है तो ऐसे बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर माँ बाप ने एक बार समझाया कि अभी नहीं बाद में ले लेना आराम से खा लेना, तो ऐसा हो सकता है कि वो बच्चा आसानी से मान जाए और उसके मन में ये आए कि हमारे घर में कोई आया हुआ है तो ये क्या हो गया, ये उसका सामाजिक व्यवहार हो गया। छोटे बच्चे को अगर आप बोलोगे नमस्ते करो तो वो उसके मूड की बात है कि वो करे या ना करे, लेकिन 4 साल के बाद बच्चा सीख जाता है, समझ लेता है कि नमस्ते करने में ही भलाई है, उसके बाद ही सभी लोग उसे अच्छा बताएंगे। तो खुद को अच्छा बनाने के लिए, दिखाने के लिए, मानने के लिए, अपनी प्रशंसा सुनने के लिए वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा सामाजिक व्यवहार करना शुरू करने की कोशिश कर देता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि मोंटेसरी विधि जो है उसमें एक शिक्षक से क्या एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेशन का मतलब होता है क्या कुछ वांछित विशेषताएं होती हैं किसी शिक्षक की। ठीक है, तो शिक्षक की ये विशेषताएं होती हैं कि उसे व्यक्तिगत विशेषता पहचान में आए किसी भी बच्चे की। मान लीजिए 3 घंटे तक आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं जो अलग अलग जो एक्टिविटी है, क्रियाएं हैं, उनमें लगे हुए हैं, तो उन क्रियाओं में लगे हुए कुछ क्या होंगी, कुछ खास विशेषताएं पता चलेंगी आपको उन बच्चों के बारे में कि इस बच्चे में ये स्पेशलिटी है, उस बच्चे में कुछ अलग स्पेशलिटी है। तो वो जो शिक्षक है उससे ये अपेक्षा की जाती है, हाँ स्पेशलिटी का एक्सपेक्टेशन का मतलब अपेक्षा कह सकते हैं, तो शिक्षक से ये अपेक्षा की जाती है कि वो उन बच्चों की उन जो विशेषताएं हैं, जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं, व्यक्तिगत विशेषताएं हैं, उन्हें पहचाने। उसके बाद क्या है, क्षमता, क्षमता और गति दोनों को एक साथ समझ लेते हैं। हर एक बच्चे की अपनी एक क्षमता होती है कार्य करने की या किसी बात को समझने की, और हर एक बच्चे की अपनी एक गति होती है, एक स्पीड होती है। कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को समय लग जाता है, कुछ बच्चों की क्षमताएं थोड़ी ज्यादा होती है, कुछ बच्चों की क्षमताएं थोड़ी कम होती है। तो उन दोनों चीजों में डिफरेंस, मतलब उन दोनों चीजों को समझना, उनका तालमेल बिठाना, उनकी कोशिश करना, और अगर किसी बच्चे की में क्षमता थोड़ी कम है या उसकी गति थोड़ी धीरे है तो उसे ज्यादा बर्डनाइज ना करना, उस पर बोझ ना डालना, ये अपेक्षा रखी जाती है एक शिक्षक से। इसके अलावा जो भी बच्चे में पोटेंशियल है, पोटेंशियल का मतलब है कि जो कुछ कर सकने की उसमें क्षमता है या कुछ कर सकने का उसमें एक गुण है, तो उसे क्या करे, उसे वो हवा दे। हवा देने का मतलब क्या है कि उसे सपोर्ट करे, उसकी सहायता करे और ज्यादा उसे प्रेरित करे, उसे उत्साह दे, ताकि वो जो छात्र है वो अपने पोटेंशियल को और ज्यादा निखार सके। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर उससे अपेक्षाएं की जाती हैं। भले ही इसके अलावा और भी कई सारी होती हैं जो जनरल होती हैं, बाकी मोंटेसरी विधि में कुछ ये जो एक्सपेक्टेशन है ये खास तौर पर देखी जाती है किसी भी शिक्षक में। अच्छा, इसके अलावा मोंटेसरी विधि में भाई ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी एक आयु वर्ग के बच्चों को ही रखा जाएगा। मोंटेसरी विधि में 3 से लेकर 6 या मतलब आसपास के 2.5 से लेकर 6 कुछ भी इस प्रकार का एज ब्रैकेट आप मान सकते हो, उस एज ब्रैकेट के जो बच्चे होते हैं उन्हें एक मिश्रित कक्ष में रखा जाता है, मतलब मिश्रित एक कह सकते हैं एक मिक्स क्लास में रखा जाता है जिसमें अलग अलग एज ग्रुप के, अलग अलग आयु वर्ग के बच्चे होते हैं और उन्हें एक साथ चीजें सिखाई जाती हैं। उसके बाद है बच्चों से क्रियाएं करवाकर उनमें सटीकता लाई जाती है, उन्हें एक्सप्लोर करवाया जाता है। मतलब ये कि कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे बड़े शर्मीले होते हैं,
जो कोशिश करते हैं कि मैं सबसे ज्यादा पीछे रहूं, मुझे कुछ ना करना पड़े, ताकि मतलब कुछ होता है ना, कुछ डर होता है जो किसी बच्चे को पीछे खींचता है, वो उसका क्या होता है, वो उसका शर्मीला व्यवहार होता है, तो वो चीज ना रहे। तो क्या करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्रियाएं करवाई जाती हैं, क्रियाएं मतलब अलग अलग काम करवाए जाते हैं जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, उसके बाद उनमें सटीकता लाई जाती है। सटीकता मतलब कि जैसे बच्चा है, उसको आप ए फॉर एप्पल लिखना सिखाते हो, तो बच्चा जब छोटा होगा तो वो क्या करेगा, वो हो सकता है ए को कुछ इस प्रकार लिखे, कुछ इस प्रकार लिख सकता है, वो उसके समझ में नहीं आया कि सब चीजों को मिलाना होगा। लेकिन कुछ समय जब बीतेगा तो बच्चा क्या करेगा, अपने आप को सटीक बनाएगा और इसे इस प्रकार से बनाना शुरू कर देगा। तो क्या आया ये उसमें सटीकता आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई भी बच्चा जब कुछ भी कार्य करता है तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा पूरा सही करे, ऐसा भी हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत उसे गलत कर दे। जैसे हो सकता है कि वो सभी अल्फाबेट को, सभी अक्षरों को ना पहचान पाया, तो धीरे धीरे क्या होगा, जब आप उसे बोलोगे, जब आप उससे प्रैक्टिस करवाओगे, तो क्या होगा कि उसमें सटीकता आती चली जाएगी, उसमें परफेक्शन आती चली जाएगी। परफेक्शन मतलब समझते हो, गलतियों की जो फ्रीक्वेंसी है, गलतियों की जो फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार होना जो होता है, वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है। उसके बाद है, बच्चों को क्रम समझ में आता है, एक जो पथ है या कोई भी उद्देश्य है जो उस कार्य को करवाने का, वो क्लियर होता चला जाता है। अच्छा, जो भी मतलब आप विधि है, जो भी आप काम करवाते हो, उसका उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। जैसे अब मान लीजिए आप बच्चे को सिखाना चाहते हो साइज वाला, मतलब कोई भी क्रम है वो सिखाना चाहते हो, या फिर मान लीजिए कि कोई भी साइज वाली एक्टिविटी है, जैसे ये टावर है, अलग अलग साइज के हैं, साइज पहचानना है, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, वो पहचानना है। तो अगर आप ये सिखाना चाहते हैं तो आपको यही वाला टास्क लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसे क्रम सिखाना चाहते हैं और ये मूवेबल अल्फाबेट आप चूज कर रहे हो, या फिर साउंड सिलेंडर आप चूज कर रहे हो, या फिर कोई भी टास्क या कोई पजल आप चूज कर रहे हो। तो क्रम अगर आपको सिखाना है तो आपको टावर साइज वाली एक्टिविटी ही करवानी पड़ेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रिपीटेशन होनी चाहिए, मतलब अभ्यास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई एक गेम आपने एक बार खिलाया और उसके बाद भूल गए। हालांकि मुझे याद है, मुझे ये गेम्स जो है ये फर्स्ट क्लास में करवाए गए थे जब मैं केबीएस स्कूल में था, यहाँ दिल्ली में एक सैनिक विहार नाम की जगह है, तो वहां उस स्कूल में था मैं, तो फर्स्ट क्लास में इस प्रकार की कुछ चीजें करवाई गई थी। तो आज तक मेरे मतलब मेमोरी में वो चीजें हैं कि हाँ, मुझे वो खेल जो था वो कितना अच्छा लगा था। तो इससे क्या पता चलता है कि बच्चे में स्थायी ज्ञान आता है, परमानेंट नॉलेज आती है, अगर आप उसे इस प्रकार की रुचि के हिसाब से उसे पढ़ाते हो, उसे सिखाने की कोशिश करते हो तो, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्लास में जो पढ़ा था वो अगर आज तक भी याद रहा है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। उसके बाद है, कल्पना शक्ति को और ज्यादा विकसित करना। जितनी ज्यादा आप कल्पना शक्ति को विकसित करवाओगे, यकीन मानो वो जो छात्र है वो उतना ही ज्यादा और आगे बढ़ सकता है। जैसे मान लीजिए जो भी आपके ये आर्किटेक्चर होते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कि कोई घर बनवाना है, कोई ब्रिज बनवाना है, या जो बुर्ज खलीफा जो इमारत है जो भी, तो वो जो कल्पना शक्ति है वो इतनी ज्यादा अच्छी तब हो पाई, कब हो पाई, जब बचपन से ही उस बच्चे को कल्पना शक्ति का विकास करने का प्रशिक्षण दिया गया, तब जाके वो बच्चा ऐसा हो पाया कि अगर कोई खाली जमीन भी है तो उस पर वो अपनी कल्पना कर सकता है कि यहां मैं क्या बना सकता हूं। उसी प्रकार से अगर आप उसे कोई भी पजल खिलवाते हो, जैसे अलग अलग चित्र है उनको एक साथ जोड़ना है और कोई एक सही चित्र बनाना है, तो ये क्या है, ये कल्पना है। तो ये जो कल्पना शक्ति है ये इसी प्रकार से डेवलप होती है, विकसित होती है। उसके बाद है भाई एकाग्रता। एकाग्रता आती है जब बच्चे को आप उसकी मनपसंद चीज लगातार 3 घंटे तक करने के लिए देते हो। एकाग्रता तब नहीं आती जब आप हर रोज सिर्फ उसे 40 मिनट देते हो, 40 मिनट उसे एक सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके बाद उसे कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के लिए आपने समय निर्धारित कर दिया। तो इस प्रकार से 3 घंटे तक अगर उसका खुद का स्वेच्छित जो विषय है वो अगर पढ़ने दिया जाए तो कम से कम उसकी आदत पड़ेगी 3 घंटे बैठने की, और तब जाकर आप जैसे सीटेट में या डीटीपीएससी के एग्जाम में बोर हो जाते हो कि कब से ट्राई कर रहे हैं, सोल्व ही नहीं होके दे रहा है। या कुछ बच्चे तो एग्जाम में मार्क्स इसलिए लूज कर देते हैं क्योंकि वो बोर हो चुके हैं 2 घंटे से बैठे बैठे। 2 घंटे लगातार दिमाग लगाने का वो जो एक होता है ना, एक हिम्मत होती है
कि लगातार 2 घंटे तक 3 घंटे तक दिमाग चलाना है, वो कर ही नहीं पाते। वो ये कहते हैं कि ठीक है अब नहीं हो पाएगा, नंबर आए तो भी ठीक है, ना आए तो भी ठीक। ऐसा रवैया आपका कब चला जाएगा, जब आप लगातार 3 घंटे तक अबाधित समय तक मतलब निरंतर किसी कार्य को करते रहो। जो क्या होगा, जो होगा आपके लिए पढ़ाई, क्यों, सीटेट क्लियर करना है, कोई भी टेट क्लियर करना है या कोई भी DWSB का एग्जाम आपको क्लियर करना है। उसके बाद है भाई सहयोग। सहयोग ठीक है कि इस जो आयु वर्ग के बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे का सहयोग करने की कोशिश करते हैं, मिलजुल कर कार्य करते हैं, तो ठीक है सामाजिक विकास भी होगा, सहयोग की भावना भी रहेगी। तो कुल मिलाकर भाई ये था मोंटेसरी विधि, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था आपको मूवेबल अल्फाबेट्स, टावर साइज, साउंड सिलेंडर, टास्क कोई भी किसी भी प्रकार का, और पजल जो होते हैं उनको समझना, उनको थोड़ा सा ये देखना कि कहाँ कहाँ लागू किया जा सकता है। तो ये कुल मिलाकर भाई आज आपकी क्लास थी, जो मैंने उम्मीद की कि आपको समझ में सब कुछ आया होगा। बाकी जो भी आपका फीडबैक है वो जरूर बताना, और यहां मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले पाओ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो ताकि नोट्स बनाने में आपको थोड़ा सा इजी हो जाए। और बाकी कोशिश करूंगा भाई कि इसी तरीके से पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारी की सारी विधियां बताऊं। इसमें एक छोटे से शॉर्ट में और एक बार आखिरी बार बता देता हूं, मोंटेसरी विधि जिसमें वस्तुओं का इस्तेमाल करके बच्चों को चीजें सिखाई जाती हैं। क्यों, क्योंकि छोटे बच्चों को वस्तुओं में ही ज्यादा रुचि होती है, तो अलग अलग वस्तुओं का इस्तेमाल करके वो जो बच्चे होते हैं वो सीखते हैं अलग अलग चीजों को। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी एक पिन खड़ी कर दी, ठीक है, उस पिन में आपने बोला 10 मोती डालने हैं, तो ये 10 मोती जो इसमें डाले गए वो क्या है, वो एक क्रिया है। तो इस प्रकार से वस्तुओं के हिसाब से उनको गिनने में मजा आएगा। नॉर्मली आप बोल दो कि अपनी कॉपी पर 10 डंडे खींचो तो उन्हें बोरिंग लगेगा, लेकिन अगर इस पिन में आप 10 मोती डलवाओगे तो उन्हें काफी अच्छा लगेगा। तो ये क्या है, ये वस्तुओं का इस्तेमाल करके पढ़ाई की करवाई जाती है या उन्हें शिक्षण मतलब शिक्षा दी जाती है। तो इस प्रकार से मोंटेसरी विधि है जो बच्चों को वस्तुओं की मदद से सिखाई जाती है। उम्मीद करता हूं कि सब कुछ समझ आया होगा, बाकी फीडबैक जरूर देना कमेंट सेक्शन में, और फीडबैक से पहले लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इंटरेस्ट के साथ पढ़ा करो ताकि आप ज्यादा देर तक पढ़ पाओ। 3 घंटे जो मोंटेसरी विधि में है, जो किसी छोटे बच्चे के लिए होता है, वो कम से कम अपने ऊपर लागू करो। हर रोज कम से कम 3 घंटे बिना अपनी जगह से उठे पढ़ना शुरू करो, तब जाके आपके टेट एग्जाम क्लियर होंगे, तब जाके आपका DWSB क्लियर होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही भाई, ओवर करते हैं क्लास को इस उम्मीद के साथ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बस पढ़ते रहिए आप और बढ़ते रहिए आगे।